विष्णु साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यू नो खतरों के खिलाड़ी, ये शब्द सुनते ही ना अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो जब भी देखो छूट रहे होंगे, जब ये ऑफर हुआ सबसे पहला थॉट क्या आया माइंड में? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू डू द शो फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। मैं खुद चाहता था शो करना, क्योंकि शो बहुत पसंद है मुझे, मेरे घर वाले सब देखते हैं, पूरा इंडिया बहुत प्यार करता है शो को। और जिस तरह के स्टंट और एडवेंचर स्पोर्ट आपको करने को मिलते हैं, आई डोंट थिंक कोई और शो है जहाँ पे आपको ये करने को मिलेगा। बट ऑलवेज इट यूज टू हैपन दैट डांस दीवाने एंड खतरों के खिलाड़ी यूज टू क्लैश टुगेदर। सो दिस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी आर नॉट डूइंग डांस दीवाने राइट नाउ, वी आर नॉट शूटिंग फॉर दैट। सो आई गॉट द गैप इन बिटवीन, सो आई सेड आई जंप्ड इन, आई सेड आई रियली वांट टू डू द शो। ओके, इससे पहले आपने एपिसोड्स देखे हैं, और किस चीज से आपको लगता है कि ये वाला टास्क मुझे नहीं मिलना चाहिए? आई थिंक मैंने शो फॉलो किया है, मैंने एपिसोड्स भी देखे हैं, एंड आई थिंक हर साल वो लोग नए टास्क के साथ आते हैं। आप कितना भी शो स्टडी कर लो, कितना भी फॉलो कर लो, लेकिन रोहित सर हमेशा अपनी वो ट्रिक, जो बैक का ट्रिक होता है, उनके वो लेके आते हैं नया। अगर सेम सिमिलर स्टंट भी होगा तो अगेन वो ट्विक करके उसको डिफरेंट कर देते हैं, तो यू कांट प्रेप फॉर दैट। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई एम गोना गिव माय 100% व्हाटएवर द टास्क इज। रोहित सर टास्क न करने पर भी बहुत डांट लगाते हैं, तो उसके लिए आप तैयार हैं, क्योंकि अगर कुछ छूटा तो? सी आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आई विल मेक श्योर दैट वो हो रहा है हमारे शो में, कि आई विल मेक श्योर आई विल डू एवरीथिंग। किस चीज से डर लगता है? सर डर तो मुझे इंटरव्यू से बहुत लगता है कई बार, बस उसके अलावा मुझे किसी चीज से डर लगता नहीं है। फोबिया नहीं है किसी चीज का, इट्स जस्ट दैट वो सिचुएशंस बहुत नई होंगी, वो सिचुएशन में कभी गया नहीं हूँ, तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना रिएक्ट टू इट। इट्स जस्ट दैट फिजिकली आई फील आई एम देयर, बट मेंटली आई थिंक जितना आप अपने आपको काम रखेंगे, यू विल सक्सीड इन द शो। क्या लगता है आप, तो एज ए कोरियोग्राफर कितना ये फैक्टर जो है ना वो आपको कितना प्रॉफिट देने वाला है आपको? आई थिंक नॉट जस्ट अ कोरियोग्राफर, डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल हाउ यू आर। आई मीन येस आई एम अ कोरियोग्राफर, तो इट हेल्प्स मी टू बिल्ड माई कोर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इन टू जिमिंग, आई वर्क आउट अलॉट, आई गो फॉर स्विम, आई गो फॉर हाइकिंग, ट्रैकिंग। सो वो बॉडी लाइफ स्टाइल मेरा ऐसा है कि वो आई थिंक शो में बहुत हेल्प करने वाला है ऑटोमेटिकली। जो और खिलाड़ी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुए बहुत ज्यादा हैं, टीम के बहुए इस बार ज्यादा हैं। आई थिंक द बंच बहुत अच्छा है, 14 लोगों का जो बंच है, वो वैरायटी जो है वो बहुत अच्छी है। कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं, उसमें स्टैंड अप हैं, एंड दे ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। बट आई थिंक जो ग्रुप बनाया है 14 का, बहुत ही अच्छा है, सब कम्पेटिटिव है। आई हैव सीन लॉट ऑफ इन रियलिटी शो, दे ऑल आर वेरी कम्पेटिटिव, आई एम ऑल्सो वेरी कम्पेटिटिव, सो इट्स गोना बी सुपर फन इन साउथ अफ्रीका। ओके, क्या अलग रूप दिखेगा आपको? यू नो हमने आपको डांस मूव सब कुछ देखा, बट उसमें क्या दिखने वाला, मतलब कितनी तैयारी आपकी हो रही है? आपने कहा ना स्विमिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या तैयारी हो रही है? सी देखिए, मैंने बाल कटवा दिए पूरे, अपने छोटे कर दिए पूरे बाल, कोई टेंशन नहीं है। मैं टीवी पे कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है, रोहित सर पानी में फेंकेंगे, खतरों से खेलना है, पानी में फेंकेंगे, आई एम रेडी फॉर इट, कीड़े फेंकेंगे, आई एम रेडी फॉर इट, सो जो होगा देखा जाएगा। घर में कैसा रिएक्शन मिला है, मतलब हम बात कर रहे हैं? जिससे मैंने बोला कि आई थिंक एवरीवन लव्स द शो, माय फैमिली वॉचेस, माय मॉम डैड, दे बोथ लव द शो, और व्हेन दे गॉट टू नो दैट आई एम डूइंग इट, आई वांट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट, सो आई सेड वेल यू शुड डू इट। एक्चुअली दे वर सेइंग मी फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, सो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज दे कीप सीइंग मी गोइंग फॉर माय एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ऑल, सो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो दिस टाइम दे आर लाइक दे गोना वॉच द शो अगेन। अभी अभी आपकी जो जो खबर आई, मतलब आई है, जो आपने भेज डाला, सबसे पहले उसके लिए बधाई आपको, थैंक यू सो मच। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, किस तरह से उन्होंने आपको टिप्स दिए, कुछ बताया? सबसे पहले ही सर कि महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए गोइंग अवे, दैट वाज द रिएक्शन। आई सेड यस, दे शुड गोना बी एटलीस्ट फॉर अ मंथ एंड 40 डेज, सो शी वाज सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी, एंड इवन उनकी फैमिली भी पूरा शो देखती है, तो आई थिंक इट्स गोना बी सुपर फन। कुछ बताया उन्होंने अपनी तरफ से, कुछ टिप्स? हाँ। नहीं, उन्होंने कोई टिप्स नहीं दिए, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा जैसे। The only tip that she got, she gave me was you just keep your mind calm, that's nothing else. तो फैंस को खुशखबरी कब तक आएगी, मतलब अभी तो फैंस को खुशखबरी मिल गई ऑलरेडी, खतरों के खिलाड़ी में आ गया 12 में, और नहीं, जो ये रिश्ता बनाया उसको वो अभी टाइम है, आई थिंक सून आई एम गोना अनाउंस, बट राइट नाउ द फोकस इज ऑन खतरों के खिलाड़ी।